नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संत कुमार और आदि योगा संत जो कि मेरा फेसबुक पेज है जिसके ऊपर मैं योग के बारे में बहुत सारे वीडियोस डालता रहता हूं कि योग होता क्या है, वास्तविक योग क्या है, आजकल के योग में और पहले के योग में क्या अंतर है, योग ने कैसे अपना रूप परिवर्तन किया है और लोग आज किस योग में सबसे ज़्यादा अपना जो है दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये मैं अपने फेसबुक पेज पर डालता हूँ। दोस्तों, आज का जो योगा है ना, ऑन द ज़्यादातर जो है वो किस पे बेस्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी पे। हम सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि वाह्यकरण को ही महत्व दे रहे हैं, अंतःकरण को नहीं दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप योगा अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सुबह में उठ करके करते हैं। कई लोग योगा इसलिए करते हैं ताकि उनका पेट कम हो जाए, कई लोग योगा इसलिए करते हैं ताकि उनका बुद्धि तेज हो जाए, और कई लोग योगा इसलिए करते हैं ताकि उनका नाम हो जाए। लेकिन वास्तविक में जो योग है ना वो ये नहीं है। योग का अर्थ ही अलग है। योग का होता है स्वयं के साथ जुड़ाव, स्वयं के साथ इतना तालमेल बैठाना कि आप अपने बारे में एक छोटी से छोटा और बड़ा से बड़ा हिस्सा जानते हों कि आप कहाँ पे क्या हैं और आप वास्तव में क्या हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं हमें अंदर से जो हैं हम उस चीज़ को बाहर प्रकट करने का काम योग करता है। अगर हम योग को वास्तविक रूप में समझ जाएं कि वास्तव में योग होता क्या है, तो हम फालतू के झंझटों से निकल जाएंगे। फालतू की चीज़ों में हम नहीं दौड़ेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे अट्रैक्टिव दिखना है ताकि लोग मुझे पसंद करें, लोग मेरी ओर ध्यान दें। ऐसी कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि योग करने से यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, मैं स्लिम हो जाऊँगा, लोगों का जो मैं जो हूँ सबका केंद्र बनूंगी, सबका ध्यान मेरी तरफ होगा। ये योग नहीं है। आप असल में आप उस मृग तृष्णा की तरह हैं, जैसे कि एक मृग को दूर रेत में खाली पानी ही पानी दिखाई देता है और जितना वो दौड़ती है उसे पानी तो नहीं दिखाई देता, लेकिन रेत का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं होता है और अंततः वह प्यास के कारण अपना दम तोड़ बैठती है। यही जीवन का वास्तविक जो सत्य है ना कि हम दिखावे की ओर भाग रहे हैं। योग का मतलब सिर्फ प्राणायाम और आसन वासन क्रियाएं प्रक्रियाएं और क्रिया नौली प्रक्रिया जो भी है, वज्र प्रक्षालन प्रक्रिया, संघ प्रक्षालन, जो भी क्रियाएं, ये सभी चीज़ें हम करते तो हैं, लेकिन इनका महत्व तब है जब आपका अंतःकरण भी साथ में शुद्ध हो रहा हो। आप सुबह में योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं और भर दिन जा कर के उल्टी सीधी बातें करते हैं और लोगों के बारे में कमेंट्स करते हैं, और दुनिया का जो देखा जाए तो सबसे जो बड़ा रस है कहते हैं निंदा रस, वो जो निंदा रस है ना, सबसे ज़्यादा व्यक्ति को निंदा रस में मज़ा आता है। और यही योग सिखाता है कि आप इस निंदा रस से बचें, क्योंकि ये वह निंदा रस है जिसके चाशनी में जो गिर जाता है वो गिरता ही चला जाता है, और शायद विरले ही ऐसे होते हैं जो बच पाते हों। लेकिन फाइनली तो मैं यही कहूँगा कि मैं उस योग के पक्ष में हूँ जो आपके अंतःकरण, आपके अंदर की मलिनता, आपके अंदर की गंदगी और बुरे विचारों को ख़त्म करता हो। जब आप किसी चीज़ को झेलेंगे, समझेंगे और तब जा कर के आपको पता चलेगा। आप जब सुविधाओं में रहते हैं तब आप उसको किसी भी चीज़ का महत्व नहीं पता चलता है। क्यों बुद्ध ने अपना इतना बड़ा राजपाट छोड़ करके सन्यासी का जीवन और मॉन्क की तरह जीवन बिताया? वो चाहते तो इन सभी सुविधाओं के साथ ये काम कर सकते थे, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये सुविधाएं जो हैं, ये चीज़ें जो हैं, सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं देती। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर किसी भी चीज़ का महत्व जानना है
तो आपको उस चीज को त्यागना होगा जो कि आपका सबसे ज्यादा प्रिय है। और जब तक आप किसी वस्तु के किसी विषय के मोह में पड़े रहेंगे, योग का यह तो छोड़िए कभी नहीं सीख पाएंगे। योग कोई आसान खेल नहीं है, आसान बात नहीं है जो हर कोई आ करके कहने लग जाता है मैं योगी हूँ, मैंने ये किया है, मैं वो किया हूँ। एक बात बताइए कि आपके पास जो नॉलेज है वो कहाँ से आया? आपने सिर्फ पढ़ के ही तो इकट्ठा किया है ना, उस चीज़ को याद कर लिया है, समझ लिया है। आपका खुद का नॉलेज कहाँ है, खुद का ज्ञान कहाँ है? जब आपका खुद का वास्तविक ज्ञान होगा ना, तो वो आपका असली ज्ञान होगा, ना कि किताबों के पढ़े हुए दो चंद लाइनें जिसे आप याद करके लोगों को एक्सप्लेन करके बताते हैं। नहीं, वास्तविक में आप खुद को पढ़िए, वास्तव में खुद को जानिए, खुद को रियलाइज करवाइए अपने आप को कि आप क्या हैं, आप किस लिए हैं और आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आपका बाहरी बाह्यकरण कैसा है, अंतःकरण कैसा है, ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जब आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तब आप फाइनली आप ये समझ जाएंगे कि आपके अंदर क्या क्या कमी था और क्या क्या कमी नहीं था। क्योंकि अभी आजकल प्राणायाम भी करते हैं लोग, प्राणायाम में क्या करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, नौली बजरी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, 84 लाख आसन हैं, 84 महत्वपूर्ण आसन हैं, उन सबको याद करना मुझे नहीं लगता कि काम का है। क्योंकि मैं तो सिर्फ वही कहता हूँ कि जो आपके काम का है उसे याद रखिए, उस चीज़ को कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, वो आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। लेकिन जो चीज़ आपके काम का नहीं है उसे कचरे की तरह बाहर ही फेंक दीजिए। क्योंकि दिमाग में जितना कचरा भर के रखेंगे वो कचरा जो है आपके दिमाग में गंदगी ही फैलाएगा और कुछ नहीं करेगा। इसीलिए देखते हैं एक सन्यासी का सादा जीवन होता है, ना उसके पास ज़्यादा सामान होता है और ना ज़्यादा उसको चिंता होती है। वो एक लोटा होता है, एक कटोरा होता है, जहाँ मन किया वहाँ चल दिया, जहाँ मन किया जितना मिला खाने के लिए मिला खाया और मस्त जिया। तो जीवन के जो कुछ पार्ट है ना, आज व्यक्ति जो है खाली कमाओ कमाओ खाओ खाओ पेट भरो, दूसरे को लूटो खसीटो और फिर सुबह जा करके जितने भी पाप कर्म किए हैं योग के द्वारा ओम करके उसको भुलाने की कोशिश करो। असल में जब सुबह सुबह जाते हैं ना ये सब उल्टे सीधे हरकत करके और ओम और प्राणायाम करते हैं, तो वो सारी जो आप गंदगी जो किए होते हैं वो सब चीज़ें दिमाग में रिलायंस हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही होती है, आप उस चीज़ को याद कर रहे होते हैं, लोगों को लग रहा होता है कि आप कितने मौन हैं, कितने शांति से आप प्राणायाम कर रहे हैं, आसनों में बैठे हुए हैं। लेकिन असल में क्या है कि जब आप शांत बैठे हुए तो आपके दिमाग में और कचरे जो जो आपने भर रखा है वो सब बाहर आ रहा होता है, देख रहा हो। कुछ में आपको बड़ा आनंद आता है और कुछ में बेकार, और जिसमें आनंद आता है उसमें आप लगे रहते हैं। ये भी एक तरह से बुद्धि को नाश करने का ही काम करता है। तो वास्तविक योग तो मैं यही कहूँगा कि खुद को समझिए, खुद को जानिए, क्योंकि योग कोई साधारण खेल नहीं है। प्लस प्लस होता है, जोड़ना होता है किसी चीज़ को, किसी टूटे हुए चीज़ को जोड़ना होता है योग। जब आप बस यही इतना ही कहूँगा, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, इतना है बोलने के लिए मेरे पास कि आप सुनते सुनते थक भी जाएंगे, हो सकता है कि आप बोर भी होने लगे। इसीलिए मैं इतना ही कह करके अपने शब्दों को विराम दूंगा, फिर मिलेंगे कभी दोबारा से कोई नए टॉपिक को लेकर के। और जब तक के लिए योग कीजिए और मस्त रहिए, लेकिन सही डायरेक्शन में कीजिए, सही गुरु का साथ लेकर के कीजिए। ये आलतू फालतू यूट्यूब फलाना ट्यूब पे देख देख करके आप खुद ही ज्ञानी मत बन जाइए, खुद ही योगी मत बन जाइए, और खुद ही बखान मत करने लगिए मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, अरे मैंने तो ये कर दिया, अरे तो मैंने तो वो कर दिया। सिर्फ योग करने से ही कोई चीज़ें ठीक नहीं होती, बहुत सारी प्रोसेस है जिसकी वजह से चीज़ें ठीक होती हैं। तो मिलते हैं।
नमस्ते।